कलम कलम। जब हम अंदर पहुंचे तो अंदर कुछ अलग ही सीन देखने को मिला। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बख्त तहलील और आपका वेलकम हो गया है मेरे एक और ब्लॉग में। तो क्या है कि हम आए थे आज जीशान में और अदनान यहाँ लोअर दनो तुल नर्सरी शाहतूत नर्सरी में। तो जब हम अंदर पहुंचे तो अंदर कुछ अलग ही सीन देखने को मिला। जो पेड़ है शाहतूत के पेड़, इनकी जो टहनियाँ थी वो कटी हुई थी, यहाँ पर ज़्यादा शाहतूत नहीं थे। तो हमने सोचा कि आसपास पूछते हैं किसी से कि ये क्यों काटी गई है। तो उन्होंने बताया कि इससे क्या होता है, जो ये पेड़ शाहतूत के पेड़ है, जो इनके टहनियाँ हैं उनसे, इनके जो पत्ते हैं उनसे क्या किया जाता है। तो चलिए आगे हम आपको तफसील से दिखाते हैं, पहले हम आपको ये नर्सरी दिखाएंगे फिर आपको सब कुछ तफसील से बताइए। तब तक आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर ज़रूर करना। तो चलो गाइस, ये है लोज दनो की शहतूत नर्सरी। और यहाँ पे क्या हुआ है कि देखो, ये जो पत्ते है, ये शहतूत के पेड़ जो है, इसके पत्ते जो है ये काट के ले जाते हैं, और जो सिल्क वर्म्स जो है ये पत्ते उन्हीं को डाले जाते हैं। जो सिल्क वर्म्स है उसको जो बनाते हैं, कॉटन बनाते हैं उसको, और जो शहतूत के पेड़ है इसके पत्ते ले जाकर उनको देते हैं। और ये जो शहतूत है ये एक इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है और ये बहुत ही अच्छा है एक इंसान को खाने के लिए। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, क्या है कि अक्सर घर वाले बोलते हैं कि शहतूत मत खाने जाओ, ये बच्चों का काम है या कुछ और बोलते हैं। तो मैं आपको बोलता हूं कि आप जाओ शहतूत खाने, आप खाओ शहतूत, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो जो चीज़ सेहत के लिए अच्छी है उस चीज़ में क्या बुरा है। तो जाओ यार शहतूत खाने जाया करो, और क्या, और आगे देखते हैं। मैं
फ्रंट कैमरा ऑन। क्या है कि मैं आपको बोल रहा था कि शहतूत खाने जाया करो और ज़रूर जाया करो, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे विटामिन सी हमको मिलता है। विटामिन सी से क्या होता है कि जो हमारी स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहती है, और क्या मतलब खून की जो कमी होती है इंसान में वो पूरी हो जाती है। तो कमेंट में बताना व्लॉग कैसा लगा, नेचर कैसा लगा यहाँ। मतलब बहुत ही खूबसूरत नेचर है यार, कसम से, मतलब कश्मीर में इतना खूबसूरत नेचर है ना, इतना ब्यूटीफुल है बात ही मत करो। मैं पूरा कश्मीर जो है एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। मुझे मतलब मैं क्या बोलूँ यार, मुझे एक मोहब्बत सी हो गई है इस नेचर से। मैं अक्सर ना नेचर में रहना पसंद करता हूँ, और मैं रेकमेंड करूँगा आपको कि आप भी अक्सर नेचर में ही बैठा करें, खामोश तनहा, और फील करो इसको यार। मतलब एक अलग ही धुन है इसमें और एक अलग ही मज़ा है इसमें। तो क्या है कि अब अपने छोटे भाई को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को शेयर कर दो, और क्या है, वीडियो को लाइक कर दो। बाकी लव यू ऑल, चलते हैं और मिलते हैं एक और व्लॉग में। It's your boy.